In this video, we will make a science experiment. We make a water fountain using pressure law of physics. This video is recommended for all kind of students. Keep watching physics ka fail. तो सबसे पहले हम एक प्लास्टिक का बोतल, एक बेंड स्ट्रॉ, एक बलून, एक कैंची और एक अच्छा से ग्लू ले लेंगे। उसके बाद प्लास्टिक की बोतल के ऊपरी हिस्से पर एक होल बनाएंगे और उसके अंदर बेंड स्ट्रॉ को घुसेड़ देंगे। उसके बाद उस पार्ट पर ऐसे करके कुछ अच्छा सा ग्लू लगा देंगे जिससे ये चिपक जाए और पानी ना निकल पाए। उसके बाद इसके अंदर पूरा अपर मोस्ट लेवल पर पानी एकदम चूर चूर फिल कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बलून लेंगे और उसके कैपेसिटी के अनुसार इस बलून को फिल कर देंगे जिससे यह फट ना जाए। उसके बाद इस बलून को ऐसे पकड़ के प्लास्टिक की बोतल के ऊपर हिस्से पर ऐसे चिपक देंगे और इसके बाद अगर छोड़ देंगे तो जो बलून के अंदर का प्रेशर होगा, जो हवा होगा, वो उस पानी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा और वो जो पानी है वो पानी एक होल से निकलने की कोशिश करेगा और ऐसे ही एक वाटर फाउंटेन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ बन जाएगा। चलो इसका मैकेनिज्म हम समझते हैं। देखो ये जो बैलून है, इस बैलून के ऊपर हिस्से पर हाई प्रेशर एंड बॉटल के अंदर लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक हवा बहती है और वही हवा इसके ऊपर पानी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा और पानी एक होल से निकलने की कोशिश करेगा और वाटर फाउंटेन बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ। ऐसे ही अगर हम एक बॉटल के अंदर 3, 4, 5 कितना भी स्ट्रॉ ले लेंगे और उसी तरीके से इसके अंदर वाटर फिल करके फिर से बैलून लगा देंगे तो ऐसा आप एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं। ओके, तो ऐसा ही हम कर सकते हैं और इसमें ही सिंपल मेकानिज़म अप्लाई हो रहा है पहले की तरह। और ऐसा एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।